हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम स्टडी संबंधित वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको टेक्निकल संबंधी वीडियोज भी डालेगी। अगर आप फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग और MP3 यानी ऑडियो को एडिटिंग, DJ रिमिक्सिंग सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। और हाई स्कूल इंटर संबंधी, UP बोर्ड संबंधी आप सबकी मटेरियल पूरा देते रहते हैं हाई स्कूल इंटर की, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम वीडियो में लेकर आए हैं कि आप बहुत ही आसानी, बहुत ही एक केवल आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस अब एक ही क्लिक से आप अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड को हटा लेंगे, अपने फोटो के बैकग्राउंड को हटा लेंगे और जो भी मनचाहा बैकग्राउंड सेट कर लेंगे। चलिए हम इसको लाइव आपको डेमो दिखाते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लास्ट देखिए, आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं वो ट्रिक कौन सी है। तो इसमें आप आज हमको एक ट्रिक बताएंगे और उसके बाद दूसरी ट्रिक, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा दूसरी ट्रिक बताएंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि वीडियो में सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है BG Remove। ओके, देखिए BG Remove आपको सर्च करना है। ये जैसा कि BG Remove, इसको सर्च कर देंगे। BG Remove जैसे ही सर्च कर देंगे तो हम इसमें आपको जो लिंक खुलेगी, इसको कैसे खुलेगी उसको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी वेबसाइट खुलेगी तो आपको यहाँ पर अपलोड इमेज है, अपलोड इमेज पर आप अपनी एक इमेज अपलोड करें जिसकी बैकग्राउंड आप हटाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसको अपलोड कर देने के बाद क्या करना है वो आपको बता देते हैं। चलते हैं, पहले एक अपलोड कर देते हैं, जैसा कि हम ये ले लेते हैं और इसके बाद इसको हम अपलोड कर दें। अपलोड करने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है, तो इसको तब तक हम देखते हैं वीडियो को। इस तरह से हमारी वीडियो अपलोड हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद इस तरह से ओपन होगी, खुलेगी। तो इस तरह से हमारी, देखिए ये बैकग्राउंड रिमूव हो गई है, पहले की फ़ोटो है और रिमूव हो गई है, जो बैकग्राउंड हो गई इसमें थोड़ा सा भी बचा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको हम फिर से सही कर लेंगे। ओके, चलिए सही कर लें। तो यहाँ नीचे आपको एडिट दिखाई दे रहा होगा, नीचे एडिट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एडिट पर टच करेंगे और जो भी जहाँ भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा उसको भी रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको टच करना है, यहाँ पर ये देखिए बैकग्राउंड रिस्टोर, यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर टच करेंगे तो आपको देखिए इरेज आ रहा है, यहाँ पर इरेज पर टच करेंगे, इधर से रिस्टोर करेंगे। जहाँ पर कहीं ज़्यादा मिट गया हो तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, और जहाँ आपको बैकग्राउंड मिटाना हो यानी उसको इरेज करना हो, इरेज कर देंगे। तो हम इरेज करके दिखाते हैं, चलिए। तो जैसा कि इरेज की हम ये अब ब्रश को थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे, ब्रश को थोड़ा कम ज़्यादा करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा रिमूव कर लेंगे जो भी नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा बहुत जो कमी थी उसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ नीचे भी थोड़ा सा है लेकिन उसको चलिए छोड़ देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिमूव हो गया। हम क्या करेंगे, इसको हम चलेंगे डाउनलोड, यहाँ ऊपर आपको डाउनलोड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और अगर वहाँ रिमूव हो गई, अगर वहीं पर आपको रिमूव हो गई, अगर आप एडिट नहीं करना चाहते तो वहाँ डाउनलोड थी, वहाँ डाउनलोड करिए, यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड इमेज डाउनलोड कर लेंगे। तो हम हमारी इमेज डाउनलोड हो गई, देखिए इसको हम ओपन अगर करते हैं तो ये हमारी पूरी तरह से रिमूव हो गई है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको हम चलते हैं कैसे इसको हम सेट करते हैं बैकग्राउंड पर, इसको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जाकर प्ले स्टोर पर, अपने प्ले स्टोर पर आप PicsArt डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च कीजिए PicsArt, PIC, उसके बाद आप जैसे ही लिखेंगे PicsArt ना, तो आपको ये आ जाएगा PicsArt। आप जा करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि हमारा है, हमारा अपडेट मांग रहा है, तो हम इसको PicsArt डाउनलोड किए, चलते हैं PicsArt खोलते हैं। तो PicsArt हम खोलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ये हमारा PicsArt है, इसको हम चलते हैं ओपन करते हैं। ओपन करने पर जैसा भी होता है, हम सारी चीज़ें आपको एक एक लाइव देखते जाइए, बहुत जल्दी रिमूव होगा, थोड़ा ओपन करने से टाइम ले रहा है, पॉज करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा ये PicsArt आपका ओपन हो गया है। इसमें से आप कोई भी फ़ोटो एक सेलेक्ट कर, जो भी पीछे आपकी फ़ोटो बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, आप जैसे ही अपनी हाव भाव में जैसे भी आप खींचे हैं फ़ोटो, उसी हिसाब से आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बैकग्राउंड चलते हैं सेट करते हैं, तो पहले हम बैकग्राउंड ही ले लेते हैं, कौन सी बैकग्राउंड हमें सेट करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटोज मिलेंगी, यहाँ पर बैकग्राउंड जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से बैकग्राउंड है, अधिक से अधिक बैकग्राउंड है, इसको आप सेलेक्ट करें। पर इसमें पेड होता है, तो आप नीचे यहाँ आएंगे, कैमराज पर कुछ फ़ोटो
फ़ोटो हैं यहाँ से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको और मिल जाएंगी, यहाँ पर फ्री फ़ोटोज हैं आपको, जैसा कि मैं दिखाई दे रहे हैं ये फ्री फ़ोटोज, इसमें से आपको यहाँ पर साइड में ऐसे ऐसे करेंगे इसमें तो इधर भी है आपको, तो जैसा कि हम करके दिखाते हैं ये सी आल पे कर देंगे ओके। सी आल पे ओके जैसे कर देंगे तो हमें बहुत सारी इमेजेज मिल जाएंगे, उस इमेजेज को हम सेट कर लेंगे, उसके बाद अपनी फ़ोटो को ला कर हम सेट करके उसको भी एक अच्छी फ़ोटो, एक प्रोफेशनल फ़ोटो को अच्छी फ़ोटो बना के दिखा देंगे आपको लाइव। भैया थोड़ा वेट कर लीजिए, तो हमारी देखिए ये फ़ोटो हमारी कुछ खुल गई हैं। तीन फ़ोटो में से अपनी बैकग्राउंड जो भी सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं, या अपनी जो भी बैकग्राउंड सेट करना है वो गूगल से आप डाउनलोड भी करके यहाँ पर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, पर आपको यहाँ पर बहुत सारी इमेजेज मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से इमेजेज इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको जैसा भी इच्छा हो। तो हम चलते हैं एक इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इनमें से एक इमेज सेलेक्ट करने करके आपको बताते हैं, जैसा कि हम चलिए ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं किस में क्या चीज़ है। ठीक है, ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं ओके। ऐड आएगा, ऐड आप स्किप कर दीजिएगा, फ़ोटो आपकी ये आ गई है। तो इसमें आपको हम एक फ़ोटो इधर देखिए, फ़ोटो ऐड करने के नीचे आप स्क्रॉल करते जाइएगा, इधर ऐड फ़ोटो आएगा, इधर देखिए ऐड फ़ोटो, ऐड फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे, ये हमारी इमेज है, इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। आज जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी यहाँ पर आ गई है, ठीक है, ये हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अपने हिसाब से थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इसको एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद इस पर हम थोड़ा जो कुछ भी दिक्कत हो, अब इसको अगर रोटेट करना हो, साइडो इसमें डालना हो, इसमें इसकी परछाई डालना हो, तो इसमें थोड़ी सी परछाई इसमें डाल सकते हैं। परछाई की पोजीशन दे दीजिए, परछाई की पोजीशन ऊपर देना है कि बगल देना है कि कैसे क्या देना है, ये आप थोड़ा बहुत परछाई दे सकते हैं। ये देखिए ये आपकी इसका शैडो दे सकते हैं, यानी परछाई जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से परछाई की कलर भी दे सकते हैं आपकी, काला देना है कैसा देना है, और एडजस्ट आप इसका वर्टिकल कहाँ आपको परछाई देना है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ़ोटो को रख दिया है और उसके बाद जो कुछ भी एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसको कम ज़्यादा लाइटिंग कर सकते हैं, थोड़ा लाइट कर देते हैं इसमें, और उसके बाद हाईलाइट में हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए हाईलाइट से लाइट भी बनेगी आपकी, लाइट थोड़ा लाइटिंग आप कर दीजिएगा, और उसके बाद शैडो डाल दिए हैं और टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह सेट होने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको आप ओके कर देंगे, ऊपर टच कर दीजिएगा तो आप इसमें आ जाइए। आप ब्यूटीफाई नहीं करना है आपको, टूल्स देखिए इधर टूल्स दिखाई देगा, आप इस टूल्स पर क्लिक कर देंगे। टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये आएगा आपको एडजस्ट, एडजस्ट पे पहले क्लिक करेंगे, एडजस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर सभी को। कंट्रास्ट देखिए यहाँ पर आपको कंट्रास्ट, क्लैरिटी, सेचुएशन, ह्यूज और सभी चीज़ें आपको सेट करना, तो कंट्रास्ट भी सेट करना है आपको, सबसे ज़्यादा सेट करना है ह्यूज, ये जो ह्यू है इसको भी सेट कर देना है आपको, इसको कंट्रास्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए तो चलिए हम कंट्रास्ट सेट कर दिए हैं जो भी सेट होना, सेचुरेशन भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो हम सेचुरेशन भी लगा दिए हैं। ह्यू ह्यू जो है इसी को आपको सेट करना है सबसे बढ़िया, जैसा भी आप कलर चाहते हैं, किसका कलर चाहते हैं आप उसको भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए आप एक अच्छी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं इससे। तो इसमें आपको ये नहीं कि बैकग्राउंड ही चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और ये देखिए जैसा भी आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पर देखिए जो भी आप सेट करना चाहते हैं उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर आपको देखेंगे यहाँ पर जो इरेज का बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इस पर टच करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन निकलेगा जैसे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको पर्सन को करना है तो ये पर्सन आपका उस तरह कलर हो जाएगा, या बैकग्राउंड को करना है या चेहरे को केवल करना है, यहाँ पर सभी चीज़ें अगल बगल देख कर देखिएगा सभी चीज़ें। बैकग्राउंड को उस तरह से करना है तो बैकग्राउंड आपका उस तरह से होगा और मैन आपका नहीं होगा ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।
और पर्सन को करना है तो पर्सन केवल होंगे और कुछ भी कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे पर्सन को करते हैं तो हम पर्सन को हमारा उस तरह से हो गया है। अब ये देखिए ये तो जो भी कुछ चीज़ में हम पूरा सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज हम वो सारी चीज़ें हटा दिए हैं और ठीक है। तो यहाँ पर आप ह्यू इसको घटा बढ़ा सकते हैं जैसा भी इच्छा हो आपको, किसी भी कलर में कर सकते हैं। देखिए पर्सन वैसे है, अब केवल बैकग्राउंड चेंज हो रहा है तो हम जैसा भी चाहेंगे उसको कर देंगे। ये देखिए ये इसको हम ऐसा कर लिए हैं। अगर हम इसको हम पर्सन कर सकते हैं, पर्सन करेंगे तो पर्सन चेंज होगा केवल। ओके पर्सन केवल चेंज होगा। चलिए हम पर्सन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं। देखिए वो बैकग्राउंड नहीं चेंज हो रहा है, पर्सन चेंज होगा, यानी हमारी शर्ट और ये सब चेंजेज हो रही हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप कोई फ़ोटो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। हाँ आप अपने शर्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए शर्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कर ली है। अब सोच रहे हैं कि चेहरे पर, चेहरे को हम चलते हैं इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर इरेज जाइए, इरेज पर टच किए तो यहाँ से इरेज मिलेगा। इरेज के हम पॉइंटर को सेट कर लेंगे थोड़ा कम ज़्यादा, उसको इसको जूम करके हम इसको चेहरे को हम मिटा देंगे। ठीक है ये देखिए इस तरह से हम चेहरे को मिटा सकते हैं। ये देखिए आपको चेहरे पर नहीं रहेगा, आपका चेहरा जैसे था वैसे हो जाएगा। इस तरह से इरेज कर लेंगे हम चाहेंगे तो। इस तरह देखिए हमारे शर्ट भी चेंज हो गया है और पैर पर है थोड़ा पैर भी, और इसमें थोड़ा बहुत ड्राइविंग कर सकते हैं अपनी। तो इस तरह से फोटो को आप एडिट कर सकते हैं, अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं। तो ये था बैकग्राउंड हम अपना सेट कर दिए हैं। इसको हम चलते हैं सब पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और हम थोड़ा इसका जो कुछ भी है ये सब सेट कर लिए हैं। अब इसमें हम ब्यूटीफाई थोड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फेस को ये सब, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। तो हम इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए इसमें आपको मिल जाएगा क्रॉपिंग, देखिए यहाँ पर इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्रॉप कर लिए और ये हमारा सेट हो गया, ये फ़ोटो सेट हो गया। उसके बाद हम इसको हम चलते हैं सेव कर लेते हैं। यहाँ से बगल एरो पर टिक करेंगे, ऐड आ गया। एरो पर टिक करेंगे तो हमारा ये आ गया, देखिए यहाँ पर सेव आएगा तो हम इसको सेव कर लेंगे। सेव पिक्चर नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सेव पिक्चर कर लेंगे, ये सेव हो गया। ठीक है तो इस तरह से हमारा सेव हो गया। हम इसमें गैलरी में जाएंगे खोजेंगे, तो चलिए गैलरी में देखते हैं और हम आपको दिखाते हैं गैलरी में कहाँ पर फ़ोटो है। और गैलरी में आप अपने खोज सकते हैं, आपको पिक्सआर्ट की फ़ाइल मिलेगी वहाँ से मिल सकती है, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है यहाँ पर बनी है, ये देखिए ये हमारी फ़ोटो बन के पड़ी है। तो इस तरह से हम इमेज को अपने बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एकदम ईजी तरीके से और कोई भी मेहनत नहीं लगेगी और अच्छे से एडिट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर से लेकर आएंगे। और आपको स्टडी संबंधी हाई स्कूल इंटरसेंस वीडियो डालते रहते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर से वीडियो डालते रहते हैं और न्यूज़ भी योजनाएँ संबंधी डालते हैं। तो आपसे करते वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए प्लीज़, मेहनत को सब्सक्राइब बनाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फिर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। We'll be right back.